हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि न्यू हाउस के स्विमिंग पूल में डाइव करने के बाद भी कुछ सेकंड्स तक फुटस्टेप्स की आवाज आती रहती है। तो गाइस, हमारे सामने न्यू घर का स्विमिंग पूल और मैं मारता हूँ इस पर डाइव। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हम जैसे इस पर डाइव मार देते ना तो बहुत तेज चलने की आवाज़ आती है, जो कि आनी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग यार स्विमिंग कर रहे हैं, वहाँ पर चल थोड़ी रहे। तो एक बार फिर सुनिए, ये देखो ये जो आवाज़ आ रही है ये गाइस चलने की है, तो वही मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू अपडेट के बाद जो बिल्डिंग हवा में रहती थी अब वो हवा में नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ इस बिल्डिंग के पास। अगर आपको याद होगा तो भाई ये बिल्डिंग हवा में रहती है, ठीक है। हम चलते हैं इसके पास और मुझे पास में देखने में ऐसे लग रहा है कि ये अभी भी हवा में ही तो है। गाइस कहाँ नीचे आई है, ये नीचे नहीं आई है, ये अभी भी आप देख सकते हो इसका जो पिलर्स है उस साइड के वो हवा में ही रहते हैं। आगे से ज़रूर ये ज़मीन पे रहती है लेकिन उस साइड में ये हवा में ही रहती है, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि फायर ट्रक का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे न्यू अपडेट में एक न्यू फायर ट्रक आया गाइस, पुराना वाला हटा दिया गया है। इसका चीट कोड भी सेम है 606 और इसका डिफॉल्ट कलर है रेड और वाइट। अब चलते हैं इसके पास और गैलरी में हम जैसे ही खोलते हैं तो कलर चेंज का ऑप्शन नहीं आता है, जबकि ड्राइविंग का ऑप्शन जहाँ पे आता है वहीं पे कलर चेंज का ऑप्शन आना चाहिए। तो गाइस मतलब इस गाड़ी का कलर चेंज आप नहीं कर सकते हो, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ दिया है दिव्यांश अग्रवाल ने और ये मिथ ये है कि हेलीकॉप्टर को कुछ भी कर लो उल्टा ही नहीं होगा। तो गाइस अगर आपको भी ऐसे अपने मिथ्स देने तो भाई लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो और अपना नाम दे सकते हो। तो गाइस हमने ले लिया है हेलीकॉप्टर, 8000 की चीट कोड से आता है ये। अब हम इसको उल्टा करने की ट्राई करते हैं। ऐसे मुझे लगता नहीं कि उड़ा के हम लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि उड़ाने पर ये उतना टेढ़ा होता नहीं है कि ये उल्टा हो जाए, तो उसको नीचे रख के इस पर RPG ही मारना पड़ेगा। अब मैं इस पर RPG मारने जा रहा हूँ गाइस, बहुत सारे, ठीक है, नीचे मारेंगे हम लोग। तो ये देखो हवा में उड़ा, लेकिन हवा में उड़ाना तो ये बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं हुआ। और हवा में ही देखो मैंने एक और मार दिया, फिर से टेढ़ा नहीं हुआ। मैं अब कंटिन्यूसली मारे जा रहा हूँ भाई, ये तो मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ। ऐसे आपने सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है गाइस, क्योंकि ऐसे अब मुझे ना मज़ा आ रहा है। इसको मैं कितनी देर हवा में रख सकता हूँ मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन हमारा मिथ कुछ और है कि ये उल्टा होगा कि नहीं। मैंने हर जगह पर मार के देख लिया इसके और ये उल्टा नहीं हो रहा है गाइस, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ दिया है अरमान खलीफा ने और इनका मिथ ये है कि बीच के पास जो झोपड़ी रहती है RPG हम उस पर मारेंगे तो आर पार चली जाएगी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ झोपड़ी के पास जो बीच पे लगी है और इस पे अगर मैं RPG मारता हूँ गाइस तो ये आप देख सकते हो ये पूरी आर पार चली जाती है, जबकि RPG इस पे लगनी चाहिए, कहीं पे भी ये लग ही नहीं रही है। और अगर हम इसके बाहर से भी मारते हैं ना तो भी देखना ये आर पार चली जाएगी गाइस, क्योंकि पता नहीं ये ट्रांसपेरेंट टाइप बनाया गया है थोड़ा सा, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर न्यू अपडेट के बाद नहीं होता है। तो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर का मतलब हम लोग ना नीचे खड़े रहते थे और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा सकते थे सारे कंट्रोल्स के साथ बिना उस पर बैठे। तो ये होता था कुछ ऐसी ट्रिक से जहाँ पे हम लोग एक बाइक और एक हेलीकॉप्टर को साथ में रख के उन पे बैठते थे और फिर मैं जैसे आगे बढ़ जाता था तो ये बन जाता था रिमोट कंट्रोल। बट यहाँ पे गाइस ये रिमोट कंट्रोल नहीं हुआ है, एक बार फिर करके देखते हम लोग, पता नहीं क्यों ये हेलीकॉप्टर चालू ही नहीं हुआ। और ये क्या हुआ, मैं बाइक से उतरते ही भाई वॉइड में गिर गया। एक बार हम लोग स्कूटी से करके देख लेते हैं, क्या पता बाइक से नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो इन दोनों के आए बीच में हम लोग, ऑप्शन आ गया और जैसे ही मैंने दबाया शायद से रिमोट कंट्रोल हो गया है, ठीक है यार। रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर तो हो गया है लेकिन गाइस हो तो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन देखो ये प्रॉपर नहीं हुआ है क्योंकि मेरा जो बंदा है ना ये स्कूटी को चला नहीं पा रहा है गाइस। और स्कूटी को चला नहीं पा रहा है मतलब रिमोट कंट्रोल अब ये होगा नहीं अगर मैं उतरूंगा तो। पोज कुछ अच्छा सा तो दिया है इसने, बहुत खतरनाक योगा कर रहा है इधर, लेकिन जब मैं इससे उतरूंगा फिर मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा तो ये रिमोट कंट्रोल होगा। तो उतर चुका हूं मैं और फिर से वॉइड में गिर गया। भाई ये क्या हो रहा है, हम ऐसे ग्लिच तो कर ही नहीं पाएंगे। तो रिमोट कंट्रोल तो गाइस सच में हो ही नहीं रहा है, अब अपडेट के बाद हटा दिया गया है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि मिनी जेट पैक में एक क्लॉक लगा हुआ है। तो मिनी जेट पैक का चीट कोड है गाइस 330, ठीक है, आ चुका है ये। अब इस पर क्लॉक तो मुझे दिख रहा है, ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये शायद से ना क्लॉक नहीं है। देखने में तो ये बिल्कुल एक स्पीडोमीटर की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देखो बटन के बगल में गाइस, जहाँ से हम लोग चालू करते हैं ना जेट पैक को, उस बटन के बगल में ये लगा है। जूम करके देखते हैं हम लोग, आप देख सकते हो इसके ऊपर देखो स्पीड्स लिखी गाइस 10, 20, 30 करके, तो ये एक स्पीडोमीटर ही है जो कि जेट पैक का है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि जो न्यू फायर इंजन ऐड हुआ है उसके बीच में से हम लोग कोई सी भी व्हीकल निकाल के ले जा सकते हैं।
तो फायर ट्रक मैंने खड़ा कर दिया है, ठीक है, 606 से इसकी चीट कोड। बाइक लेके जाता हूँ फुल स्पीड में और इसके दोनों टायर के बीच में से जैसे ही मैं जाता हूँ गाइस, हम लोग इसके आर पार निकल आते हैं। फिर अगर हम इस साइड से देखें गाइस फुल स्पीड में, ठीक है, तो अगर हम जाएं तो हम यहां से भी आर पार आ सकते हैं, ठीक है। बाइक का तो हो गया कंफर्म, अब हम लोग देखते हैं कार का। कार मुझे मुश्किल लग रही है, लेकिन इन्होंने ही लिखा है सारी व्हीकल्स, और नहीं नहीं गाइस आर पार नहीं गई, ये उसको उड़ा के ले गई। आर पार जाना तो अलग चीज़ होती है। फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बाइक तो चली गई है, कार का भी हमारा कंफर्म हो जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन ये नहीं जा पा रही गाइस। ट्रक भी ट्रेलर में भी यही सेम चीज़ होती है ना, तो बाइक जा सकती है कार नहीं जा सकती, इसलिए ये मित्र बस्टेड है। हमारा अगला मित्र ये है कि जिम के मशीन पे डबल जंप मारेंगे तो उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर के जिम पे गाइस, और चलो ट्राई करके देखते हैं क्या हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर खड़े ज़रूर हो सकते हैं हम लोग, ये वाला थोड़ा ऊपर है, मुश्किल है, इसको छोड़ दो। ये शूर है कि गाइस जिस पे तो आप खड़े हो ही सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं बेंच की तरफ, यहाँ से गिरे नहीं, बस भाई इतने सी हाइट में ये गिर जा रहा है कैसे। आगे हमारी दो इलेक्ट्रिक मशीन है, और ऐसा नहीं लगा कि भाई इसने दो मिनट के लिए साइकिल वाली मशीन चला ली, इसके हाथ पर तो ऐसे गए थे, या फिर मुझे ऐसा लगा बहुत तेज़ी में। बैठने वाला था क्या ये, बैठा तो नहीं गाइस। फिर ट्रेडमिल, भाई ट्रेडमिल पर तो चला ही सकते हैं हम लोग, यार ये इसके भी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दौड़ूँ ना तो मुझे लगता है कि ये चलने जैसा ज़रूर लगेगा। ये देखो गाइस चला लिया भाई, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रेडमिल चला रहा है गाइस, अच्छे से तो चला रहा हूँ। ये देखो पूरी मैंने मशीन चला ली यहाँ पर जिम की। ये कौन सी मशीन है भाई, इस पर चढ़ सकता है क्या यार, इस पर लटक सकता है क्या, जैसे कि ये वो करता ना ऊपर चढ़ने वाला, यहाँ से अगर मैं करूँ तो नहीं, नीचे से निकल गया, यहाँ से चढ़ जाएगा। अरे ओके डंडे पे चढ़ गया लेकिन लटका नहीं। फिर ये वाली मशीनें देख लेते हैं, देखो इसके तो ऊपर ही चढ़ गया भाई, क्योंकि ये ऊंची भी थी ना, और ये फिर गिरेगा। तो ये चढ़ तो जा रहा आराम से हर मशीन पे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन भाई यूज़ कब करेगा ये, इसका अपडेट कब आएगा, क्या RGS टूल में ऐसा है सीक्रेट कोड गाइस, तो वो हमें पता चल जाएगा कुछ ही दिन में, और ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित ये है कि अगर हम नाइट मोड में स्विमिंग पूल में देखें हमारे न्यू हाउस के, तो उसके अंदर स्काई दिखता है। तो ये है हमारा स्विमिंग पूल, किया मैंने नाइट मोड, और भाई अगर आप इसके अंदर देखो तो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है गाइस, क्योंकि यार इसके अंदर भाई स्काई दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग पूल के नीचे ना एक गड्ढा है, एक पोर्टल है, जहाँ से मैं अगर कूदता हूँ तो मैं पता नहीं भाई कहाँ जाके गिरूंगा गाइस, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। कूदते हैं गाइस इस पे, और देखो जब मैं कूद रहा था ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं ना किसी गड्ढे में कूद रहा हूँ, जो कि बहुत 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 गहरा है भाई, यहाँ से आप देख लो सही में ऐसा लग रहा है कि वॉइड के ऊपर तैर रहे हैं गाइस हम लोग, नीचे हमारे कुछ भी नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो वो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित है कि कार शोरूम के पास एक न्यू रैंप आया है। तो आ चुका हूँ मैं गाइस कार शोरूम के पास, एंट्री थोड़ी कैजुअल थी, लेकिन अब चलते हैं आगे की तरफ, और ये दिख गया मुझे, ठीक है गाइस यहाँ पे एक रैंप है जो कि दोनों रैंप के बीच में आया गाइस, और इस रैंप पे लेकिन हम लोग कूद नहीं सकते भाई, ये इतना ऊंचा बना है कि इस पे हम लोग जा ही नहीं सकते गाइस, लेकिन इसकी भी एक सीक्रेट चीट कोड है जिसका मित मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने मित्स को नीचे कमेंट जरूर कर देना ताकि हम उनके लिए अगले मित बस्टर्स की वीडियो में, और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।